ने फरमाया कि 3 दिन से ज्यादा कोई दो शख्स आपस में नाराज नहीं रह सकते। और इसमें नाराजगी को खत्म करने में जो पहल कर लेगा, आपने फरमाया कि वो सब सवाब ले गया। इसी तरह खास तौर पर शोहर के बारे में एक हदीस आती है। मैं एक मैगजीन में पढ़ रही थी, जद्दा से वो मैगजीन आता है, तो उसमें 2-3 अहादीस इस बाब में थी कि एक औरत आती है और वो अपने खावंद की शिकायत करती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आप, क्योंकि औरत आई थी इसलिए, क्योंकि मेरे दिल में ये ख्याल है कि क्यों औरत ही को क्यों कहा गया कि वो जाके मना ले अपने शोहर को। तो बात यह है कि जो शिकायत लेके आता है उसी को समझा सकते हैं आप, जो है नहीं सामने उसे आप क्या कह सकते हैं कि ले आओ तलब करो उसको भी और मैं उसे नसीहत करूं। तो आपने औरत को बार बार ये कहा कि वो अपने शोहर को मनाए, और यहां तक कहा कि अगरचे शोहर की गलती हो फिर भी औरत जो है वो उसको मनाए। और उसमें यह है कि साथ फरमाया कि अगर वो शोहर की गलती हो तो फिर इस औरत का अजर अल्लाह के जिम्मे वाजिब हो गया। और इस तरह एक खानदानी निज़ाम को जो मुस्तहकम करने का इस्लाम में कॉन्सेप्ट है, उसमें अगरचे औरत बहुत सी कुर्बानी, और बेचारी औरत सबसे पहली कुर्बानी तो ये देती है कि अपने माँ बाप और घर बार और वो सब कुछ, बचपन की वो सहेलियाँ और खिलौने और वो सारा माहौल छोड़ के दूसरे घर में आ जाती है। बहुत बड़ी कुर्बानी होती है एक लड़की की। लेकिन जब वो इतना कुछ छोड़ आई, इतनी बड़ी हिजरत कर ली उसने, तो फिर कुछ और चीज़ों में भी हिजरत कर ले। और वो हिजरत ये है कि अपनी नापसंदीदा चीज़ें जो हैं उनको, और ऐसे काम के जिनको वो नहीं करना चाहती उनको किसी हद तक गवारा कर ले, तो इससे इस दवाजी ज़िंदगी की ऊंच नीच में बहुत फ़र्क आता है। और ये दुरुस्त बात है कि इंसान पर जब ज्याती होती है ख़ासतौर पर, तो इंसान के अंदर नफ़रत का लावा उबलने लगता है और इंसान जो है बाज़ुकात अपनी नफ़रत पर काबू भी नहीं पा सकता। लेकिन अगर इंसान थोड़ा सा, जैसे वो दवा का कड़वा घूंट पीता है, अगर दवा का कड़वा घूंट पी ले तो बहुत सी चीज़ों में सेहत भी हो जाती है। क्योंकि वो कड़वा घूंट पीना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो किस लिए पी लिया जाता है, ताकि इंसान का वो बुखार जो है वो उतर जाए, उसका वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए, उसकी वो बीमारी दुरुस्त हो जाए। और आपने देखा होगा कि वक्ती तौर पर तो जायका बड़ा ही ख़राब होता है और बाज़ुकत स्मेल भी इतनी ख़राब होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त, लेकिन इंसान जब वो कर जाता है तो उसके नतायज बहुत अच्छे होते हैं। और इसको आजमाएं।